कई बार शिकायतों और चेतावनी देने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए न्यू लाइफलाइन हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। लोगों द्वारा स्वास्थ्य विभाग को उक्त हॉस्पिटल की शिकायत कई बार की गई। विभाग के अवसर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप पांडे के द्वारा जांच करने पर डॉक्टर प्रदीप पांडे ने बताया कि हॉस्पिटल का अभी पंजीकृत नहीं हुआ। मौके पर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते। हॉस्पिटल में कई सारी अनियमितता पाई गई। 3 बार चेतावनी दी गई कि हॉस्पिटल बंद किया जाए, लेकिन हॉस्पिटल बंद नहीं किया गया। उसके उपरांत हमें विभागीय कार्यवाही करनी पड़ी। वहीं तहसील से आए राजस्व निरीक्षक गरीब सिंह राणा ने बताया कि जिला चिकित्सालय अधिकारी द्वारा निर्देश अनुसार सीलिंग प्रक्रिया आरम्भ की गई है। थाना उपनिरीक्षक संतोष प्रीति ने कहा कि लो एंड ऑर्डर को सही रखने के लिए पुलिस विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। विभाग द्वारा ये सील की प्रक्रिया चालू की जा रही है और पुलिस जो है लो एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए और पुलिस यहां पर तैनात है। हमारे अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि यहां पर अस्पताल चलते हैं। डॉक्टर साहब ने को सूचना मिली है कि एक अस्पताल जो है वो कोई लाइसेंस वगैरह नहीं बना है और लाइसेंस से बगैर अस्पताल को चला रहे हो, तो इसीलिए आप वहाँ चले जाइए क्योंकि वर्तमान में अधिकारी अभी मौजूद नहीं है, बिजी हैं वो, इसलिए मुझे खान को भेजा गया। तो मौके पर हॉस्पिटल को सील किया गया। रात 10 बजे करीब हम लोग आए थे। सीएससी प्रभारी डॉक्टर संजीव शर्मा जी आए थे और उनके साथ हम लोगों ने मिलकर यहाँ हॉस्पिटल ताला सील लगाया था। फिर सुबह सीएमओ सर का फ़ोन आया कि प्रॉपर वे में जाके इसको सील करिए। फिर तहसील प्रशासन आया है और हम लोग इसको प्रॉपर वे में सील कर रहे हैं हॉस्पिटल। अभी क्या निकला है? अभी इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। पहले जो डॉक्टर थे उस समय रजिस्ट्रेशन था, उन्होंने रिजाइन किया और सीएम पोर्टल पे कंप्लेन डाल दी कि बिना रजिस्ट्रेशन के ये हॉस्पिटल चल रहा है, संचालित है। जांच में क्या लगा? कितने लोग यहाँ पर थे? कितने डॉक्टर, कितने नर्स, क्या था? जांच में एक लेडीज थी, उनसे ही बात हुई थी। उन्होंने कहा हमने अप्लाई किया हुआ है। 14 तारीख को भी हम लोग आए थे जांच में। डॉक्टर सर सरना सर भी आए थे, सीएससी प्रभारी। तो जांच में हम लोगों ने समझाया कि आप जब तक आपका डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता तब तक आप हॉस्पिटल बंद रखो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। संचालन था, फिर कल 3 दिन लगातार वॉच करने के बाद कल कार्रवाई की गई थी। सर काफी घना